निरपेक्षता की बात कर रहा है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि वह पहला आदमी विचारक है, क्योंकि उसने चीजों को परिवर्तित किया, बदलते दौर में बदलते परिवेश में उसके विचार वैसे आते हैं। उसके अलावा वह यथार्थवादी है, यथार्थवादी मतलब सीधे सीधे जो व्यवहारिक जीवन है उसकी बातचीत करता है, उसको देखता है, उसके बाद उसे अपने युग का शिशु कहता है। यह सबसे महत्वपूर्ण कथन है। डनिंग ने कहा कि मैकियावेली जो है अपने युग का शिशु था। अपने युग का शिशु होने का मतलब जो उस दौर से उस परिस्थितियों से समझता है, उस दौर की परिस्थितियों में जीता है, उसे समझता है और उसकी व्याख्या करता है। और आप पूरा देखेंगे कि मैकियावेली के चिंतन में वो सारी चीजें दिखाई देंगी। उसके बाद हम देखते हैं इसकी रचनाओं से क्या पता चलता है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे इन सारी चीजों को, अपने युग का शिशु किसको कहा जाता है और कौन कहता है। एक प्रश्न तो नहीं आएगा, नेट में संभावना बनती है कि यह प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से क्या वजह थी जिसकी वजह से मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जा रहा है, तब तो उसको आप समझ जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी और उसके अलावा पीजीटी या डीएसएसपी जो दिल्ली की परीक्षा होती है या किसी भी राज्य का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, वहां आप पाएंगे कि ऐसे ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यह आपसे गलत नहीं होने चाहिए। उसके बाद इसकी रचनाओं को हम देखते हैं। रचनाओं में इसकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है द प्रिंस। द प्रिंस को आप देखेंगे, ग्राम्सी कहता है द प्रिंस एक जीवित रचना है। जीवित रचना होने का मतलब यह है कि एकदम से सजीव व्याख्या कर किया की जा रही है द प्रिंस के माध्यम से कि राजसत्ता का आखिरकार स्वरूप कैसा होगा, आखिरकार राजा जो है वह कैसा होगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसको द प्रिंस को जीवित रचना कहा जाता है, ग्राम्सी ने कहा। और उसके डिस्कोर्सेस ऑन द लिविंग, ये दोनों रचनाएं पूछी जाती हैं। उसमें से क्या पूछा जाता है कि पहली बात तो द प्रिंस 1513 में लिखी गई और डिस्कोर्सेस ऑन द लिविंग 1517 में लिखी गई, लेकिन यह दोनों जो उसकी पुस्तकें हैं इसकी डेट 1527 ईस्वी में जो उसकी डेट होती है उसके बाद 1531 में पब्लिश होती है। और कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, सीधे हम प्रश्नों की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि लारेंटियो द मेरिकी को संबोधित की गई है द प्रिंस, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान